हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों, और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपने जो मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है और सब्सक्राइब दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कुछ खास। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ एसेसरीज़ होती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हीं में से एक होता है हमारा बटुआ, जिसको कि इंग्लिश में पर्स भी बोलते हैं। पर्स हर किसी के पास होता है, चाहे गरीब हो या अमीर। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से लोग पर्स रखते हैं, बटुआ रखते हैं। औरतें भी बटुआ रखती हैं, दादी नानी भी बटुआ रखती हैं। पुरानी औरतें बटुआ रखती थी खूब, और छोटा सा कपड़े का बना हुआ भी बटुआ मैं अपनी नानी के पास में देखा करती थी। वो हैंडमेड छोटे छोटे बटुए बनाती थी, जो कि आजकल पोटली वगैरह के रूप में मिलते हैं। और पहले कपड़े की जो पोटली होती थी उसमें ही पैसा इत्यादि रखा जाता था। आजकल लोग ऑफिस में जाते हैं, महिलाएं भी ऑफिस में जाती हैं, वर्किंग है, तो हर कोई अपने हिसाब से हैंडबैग जिसको बोलते हैं, या पर्स है, या बटुआ है, रखते हैं। लेकिन आपको पता है कि जीवन में हमारे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये भी हमारे को प्रोग्रेस दिलाने में बहुत बड़े रोल अदा करती हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए, बटुए से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी मैं आपको देती हूँ कि बटुआ रखने में आप अक्सर क्या गलतियाँ करते हैं, और आपको ऐसा क्या करें कि एक बटुआ ही आपको ज़िंदगी के बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचाए। अब एक चीज़ और बताऊँगी कि कुछ लोग जो पर्स को चुराने वाले होते हैं ना, जो बटुए को चुराने वाले होते हैं, उनके कौन से ग्रह खराब होते हैं, ये कार्यक्रम के अंत में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देती हूँ कि आपको अपने बटुए में, पर्स में क्या चीज़ें रखनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देती हूँ क्या चीज़ रखनी चाहिए। ये मेरे पास है एक ज्वेलरी बैग है, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। आपको दिखाती हूँ क्या है ये। देखिए, ये छोटे छोटे यंत्र हैं। ये यंत्र सिद्ध किए हुए नहीं है, नॉर्मल यंत्र हैं ये। लेकिन इनको जब पूजा में रखा जाता है और उसके बाद मंत्रों का जाप किया जाता है, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इनकी पूजा की जाती है, पूजा में आपको उसी तरह से जैसे किसी आप देवी देवता की पूजा करते हैं कि आपको दीपक जलाना है, उससे पहले आपको जल और कच्चे दूध से धोना होता है, गंगा जल से भी आप धो सकते हैं। उसके बाद रोली चावल वगैरह से पूजा करके, पुष्प इत्यादि चढ़ा के, और फिर मंत्र का जाप करके, मंत्रों के द्वारा आप इस तरह की जो यंत्र होते हैं, इनको सिद्ध कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये मंगल यंत्र है, देखिए, ये मंगल का छोटा सा यंत्र है ये। इसके अलावा अलग अलग ग्रहों के यंत्र आते हैं, अलग अलग पर्पस के यंत्र आते हैं। ये देखिए, ये है शनि यंत्र। अब आप कहेंगे बटुए से क्या कनेक्शन है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी इनका क्या कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ जो जानकारी आपको मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी एंगल से ही आपको बताते हैं। ये नहीं कि कोई भी वुमेंस की मैगजीन है या नेट से ही मैटर ले लिया और फिर अपने हिसाब से मैटर बना के कोई भी चीज़ चिपका दी यूट्यूब पे और पब्लिक उसको फॉलो करके बेवकूफ़ बनती है तो बनती रहे। हमारा काम ये नहीं है। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है आपके लिए काफ़ी उपयोगी होती है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में आपको दुनिया भर की ऐसी ऐसी जानकारी मैं दूंगी ज्योतिष से संबंधी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बटुए में रखने के लिए, पर्स में रखने के लिए आपको बहुत सी ज्ञानवर्धन बातें मिली होंगी ऐसे चैनल से, जिनको जो ना तो पुश्तैनी तौर पर ज्योतिषी हैं, ना जिन्होंने कोई ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की है। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी बातें मैंने देखा चल रही हैं, उनको फॉलो करके आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वैसे आपकी इच्छा है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। आपको सही लगता है तो आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना और आपको उन्नति प्रदान करना। तो देखिए, लग्न के हिसाब से बात करती हूँ। मैंने यंत्र आपको दिखाई दिया है मैंने आपको। इसके अलावा राशियों के भी यंत्र आते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो यंत्र है वो राशि के हिसाब से मत रखो, आप लग्न के हिसाब से आप रखो, जो आपका लग्न का जो लॉर्ड है ना, उसका यंत्र आप रखो, क्योंकि ये यंत्र उसी का बना हुआ रहता है, तो ये काफ़ी उपयोगी रहता है। बाकी राशि के हिसाब से भी आते हैं, तो जिनको अपनी लग्न पता नहीं है, राशि पता है, वो भी रख सकते हैं। राशि के भी, उससे भी अलग मेटल के भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, गत्ते के कागज़ के बने हुए भी यंत्र आते हैं। पर हर चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन उसको आपको सिद्ध करना ज़रूरी होगा। बिना सिद्ध किए हुए तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है।
हालांकि आपकी श्रद्धा आस्था इसमें भी प्राण फूंक सकती है, वो चीज़ एक अलग मैटर है, लेकिन उसके लिए आपको श्रद्धा भक्ति दिखानी पड़ेगी। तो आपको अपने बटुए में लग्न के हिसाब से पहले तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या रखना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको जैसे ये मंगल का यंत्र बताया था, जिनका मेष लग्न है और जिनका वृश्चिक लग्न है वो ये मंगल का यंत्र है। देखिए जिनका मेष और वृश्चिक लग्न है वो ये यंत्र अपने पर्स में रखें। इस यंत्र को रखते टाइम एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े में इसको लपेटकर आपको रखना है। और जो मंत्र जाप है मंगल के, उस पर मैं अलग वीडियो बताऊंगी हर इसके आपके ग्रह के, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इतना ही आपको बता रही हूँ। तो ये आपको अपनी उसमें रखना है। इसके अलावा देखिए आप, ये केतु यंत्र है, ये केतु का यंत्र है, इसको रखिए। जिनको अपना लग्न पता नहीं है, जैसे न्यूमरोलॉजी नंबर ही मालूम है, 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख है, 25 तारीख को पैदा हुए हैं, वो केतु का यंत्र रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बात की लग्न की, तो मेष लग्न वाले मंगल का यंत्र रखें, वृषभ लग्न वाले शुक्र का यंत्र रखें, मिथुन लग्न वाले बुध का यंत्र रखें, कर्क लग्न वाले चंद्रमा का यंत्र रखें, सिंह लग्न वाले सूर्य का यंत्र रखें, कन्या लग्न वाले बुध का यंत्र रखें, तुला लग्न वाले शुक्र का यंत्र रखें, और वृश्चिक लग्न वाले मंगल का यंत्र रखें, और धनु लग्न वाले बृहस्पति का यंत्र रखें, मकर लग्न वाले शनि का, और कुंभ लग्न वाले भी शनि का यंत्र रखें, और मीन लग्न वाले बृहस्पति का यंत्र रखें। तो इस तरह से इन यंत्रों को रखना है। और रंग के रूप में आपको जो जिनका मंगल है वो लाल रंग का प्रयोग करें, जिनका शुक्र है वो सफ़ेद रंग में लपेट के रखें, जिनका मिथुन और कन्या लग्न है मतलब जिनका बुध प्रधान लग्न है वो हरा रंग रखें। इसके अलावा कर्क लग्न वाले सफ़ेद या लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, सिंह लग्न वाले पर्पल या ऑरेंज कलर का प्रयोग करें, और जिनका शनि प्रधान लग्न है वो काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के नंबर के हिसाब से भी, क्योंकि हर नंबर का कोई ना कोई स्वामी ग्रह होता है, उसका यंत्र भी लेके और उससे संबंधित रंग का जो कपड़ा है उसको लेकर और मंत्र जाप करके सिद्ध करके उस यंत्र को हमेशा अपने पर्स में रखिए। इस तरह के यंत्र जब आप अपनी पॉकेट में रखते हैं तो ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और आपको जीवन में आने वाले अन्य कष्टों से बचाता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि पर्स का कलर कोई भी हो सकता है, ये सरासर बेवकूफ़ी पूर्ण रवैया है। तथ्य है कि आप बुध प्रधान है तो हरे रंग का पर्स रखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज़ें ये वर्क करती हैं। और जब हम पर्स के भीतर की बात कर रहे हैं, देखिए किसी को ईंट पत्थर सूट नहीं करेंगे, लेकिन मकान तो ईंट पत्थर से ही बनता है ना, चाहे 12 लग्न हो, तो उसमें आप चेंजेस कैसे करेंगे? उसमें आप अपने पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनका इंटीरियर कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। उसी प्रकार से पर्स और हैंडबैग का कलर कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके भीतर आपने क्या रख रखा है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे उपयोगी है ये यंत्र और उस रंग का कपड़ा, इसको आपको रखते पर्स में अवश्य ही रखना चाहिए। इसके अलावा जिसको शत्रु से परेशानी हो वो बगलामुखी यंत्र अपने उसमें रखे पर्स में। किसी को मान लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी हो तो वो सूर्य का यंत्र रखें, भले ही कोई भी लग्न हो सूर्य का यंत्र रखें अपने पास में, उसको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ऐसी कंपनी में या किसी नौकरी में आप काम करते हैं और वहाँ पर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपनी कंपनी के जो मालिक हैं उनका चित्र जरूर अपने पर्स में रखिए। आपके जो ऑनर हैं, चाहे वो कॉलेज है या कोई कंसर्न है, वहाँ के जो ऑनर हैं डायरेक्टर हैं उनका चित्र आप सम्मानपूर्वक अपने पर्स में रखिए और पूरे नमक हलाली दिखाइए वहाँ पर। कभी भी अपनी कंपनी के साथ में या जहाँ भी आप काम करते हैं उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वासघात करने से आपका ही 10वां घर कमज़ोर होता है, कंपनी का नहीं। कंपनी को कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो सकता है क्षणिक तौर पर कोई दुष्प्रभाव पड़े, लेकिन आने वाले टाइम में इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अपने पर्स में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने मालिक का चित्र अवश्य ही रखें। इसके अलावा पर्स में जैसे फ़ोटो इत्यादि रखते हैं, तो फ़ोटो में आप अपनी फ़ोटो रख सकते हैं, पत्नी की, बच्चों की फ़ोटो रख सकते हैं। इसके अलावा जो मैरिड लोग हैं, हमेशा ध्यान रखें किसी अन्य महिला का फ़ोटो अपने पर्स में ना रखें, इससे आपका दाम्पत्य जीवन नरक के समान हो सकता है। तो यदि आप अनजाने में किसी की तस्वीर रखते हैं तो तुरंत उस तस्वीर को निकाल दीजिए। ये पुरुष और स्त्री दोनों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये करना बिल्कुल ही अपने दाम्पत्य जीवन के साथ विश्वासघात करना है और इसके दुष्परिणाम के फलस्वरूप आपका तलाक तक हो सकता है।
तो आपके पर्स में आप अपना पत्नी का और बच्चों का ही चित्र रखिए, कोई और फोटो आपको नहीं रखनी है। इसके अलावा जो देवी देवताओं के चित्रों में आपका जो इष्ट देव हैं, जो आपके कुल देवता हैं, उनकी तस्वीर आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की ये बात होती है कि पर्स ऐसी चीज़ है कि जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो मैं वैसे निजी तौर पर इसके लिए मना ही करती हूँ कि आप देवी देवता का चित्र ना रखें। लेकिन क्योंकि यंत्र वगैरह भी आप रखते हैं तो वो भी देवी देवता का ही प्रतीक होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप, क्योंकि पर्स हमेशा पॉकेट में ही रहता है, बैक पॉकेट में ही रहता है, तो यदि आपके पास जैसे आपकी कोई रैक है या ऑफिस में अलमीरा वगैरह है, तो अपना पर्स हमेशा वहाँ पर रख कर जाएँ। और अगर आप क्योंकि टॉयलेट जाएंगे, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि वो जो यंत्र मैंने आपको बताया या देवी देवता की तस्वीर मैंने आपको बताई, उसको आप बिल्कुल 100% ध्यान रखना, उसको निकाल कर ही आप टॉयलेट इत्यादि में जाएं, उनको लेकर किसी हालत में टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए। लोग गणेश जी हुए, माता जी हुए, इनके पेंडेंट्स भी पहनते हैं और फिर टॉयलेट वगैरह में चले जाते हैं, तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता, सरासर ये दोषपूर्ण होता है। तो पर्स में आप रखिए, लेकिन पर्स या तो आप अपनी अलमारी में रख कर पर्स को ही लॉक करके जाइए, किसी अन्य व्यक्ति को, क्योंकि जो विश्वसनीय है उसको पकड़ा के चले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई विश्वसनीय नहीं है, तो उन देवी देवताओं की तस्वीर ज़रूर निकाल के जाएं, यंत्र वगैरह को बाहर रख के जाएं, टॉयलेट में भूल कर भी आप इनको साथ में नहीं लेके जाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और परिवार का ही चित्र आपको पर्स में और बैग में आपको रखना है, कोई भी पुराने बिल इत्यादि हुए, कोई भी ऐसा सामान जो एक्सपायरी डेट का हो चुका है, कोई कागज़, इन सबको आपको फाड़ कर तुरंत फेंक देना चाहिए, उनको नहीं ज़्यादा लंबे समय तक अपने पर्स में या बैग में नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ खास जानकारी थी जो मैंने आपको आपके पर्स से संबंधित दी। और बाकी सब चीज़ें वैसे मिथ हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करें, और वो एक इंटीरियर का सब्जेक्ट है, उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष से, तंत्र शास्त्र से जो लेना देना था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जिनको नज़र इत्यादि लगती है, वो थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक एक पोटली में बांधकर थोड़ा सा अपने पास में रख सकते हैं, इससे भी नज़र इत्यादि, टोने टोटके इत्यादि से भी आपका बचाव होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, तो पर्स भी आपके लिए काफ़ी एक उपयोगी साबित हो सकता है, और पर्स आपको ज़िंदगी में तरक्की देने वाला साबित हो सकता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट्स में जय जय श्री राम ज़रूर बोलना, मेरे प्रभु की जय जयकार ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।